हाँ जी बेटा, टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके बेटा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वैसे हम एक बार कर चुके हैं फर्स्ट टर्म में, है ना। तो एक तरह का सेकेंड टाइम ये चैप्टर हो रहा है, ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट ही कर लिया था। बाद में पता चला था कि ये फर्स्ट टर्म में नहीं आना है, तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे चैप्टर बेटा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम योर बुक। मेरे पास जो है ये चैप्टर नंबर जो है दैट इज 9th एंड पेज 195 फ्रॉम योर बुक। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी चैप्टर, कि सिर्फ हमें ट्रिग्नोमेट्री की जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर रियल लाइफ। रीजन, वी कैन इजीली कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वेरी लार्ज बिल्डिंग्स इफ वी नो द डिस्टेंस ऑफ दैट बिल्डिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ओके, और वी कैन नो द हाइट ऑफ और डिस्टेंस, ठीक है। इफ वी नो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग देन वी कैन नो द डिस्टेंस ऑफ दैट बिल्डिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर। ओके, फिर बेटा रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए इस चैप्टर को हम यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजें, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ सर्टन थिंग्स। ओके, वो क्या है हमारे पास। हम एक हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल लेके चलते हैं किसी भी चीज, जब भी हम ट्रीट करते हैं। मतलब अगर एक बिल्डिंग नहीं है तो वी ट्रीट इट कि वो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे बिल्डिंग है। मीन्स एक कोई टेढ़ी मेढ़ी जगह पे नहीं खड़ी है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्लियर। फिर अगर कोई पर्सन यहाँ, उसकी आईज यहाँ पर, ये उसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। अब वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ओके, ये उसकी लाइन ऑफ साइट हो गई। ही और शी इज ऑब्जर्विंग एनी ऑब्जेक्ट, है ना। मैं यहाँ पर हूं और मैं अपने रूम की फैन को देख रही हूँ, मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया, और मेरी जो है लाइन ऑफ साइट ऐसे वर्टिकल, अगर मैं स्केल रख के दिखाऊं तो ऐसे, ये देखिए ये मेरी लाइन ऑफ साइट, और ऐसे। अब आपको स्केल लंबा नजर आ रहा होगा, ऐसे मैं ऐसे फैन को देख रही हूँ, बिल्कुल फैन के ये पॉइंट पे ये ऐसी लाइन जा रही है। अगर देखा जाए तो ये हमेशा ऑलवेज दे आर फॉर्मिंग राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, और जो एंगल मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में होता है ना, व्हेन यू आर ऑन द ग्राउंड मींस यू आर ऑब्जर्विंग अ थिंग विच इज एट हाइट, तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, आप नीचे हो, चीज कोई ऊपर देख रहा है। ओके बेटा, बट अगर उल्टा हो जाए, मेरे पास यू आर हेयर, ओके, द पर्सन इज हेयर, यहां पर पर्सन ये था, ऑब्जेक्ट ये था। यू आर ऑन द टॉप ऑफ ए टावर एंड यू आर ऑब्जर्विंग एन ऑब्जेक्ट विच इज डाउन ऑन द ग्राउंड। सपोज हियर इट इज अ कार, ओके, देन दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल। आपकी लाइन ऑफ साइट ये होती है, मैंने तो आपको एंगल ही बोला था ना, लाइन ऑफ साइट ये है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके बीच में ये जो एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल ऑलवेज इक्वल, बट इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने पता कैसे याद किया, डिप्रेशन में हमारा मुंह लटका होता है, जब हमें टेंशन होती है ना, ओ पेपर आ रहे हैं, मेरा ये काम पड़ा, वी आर इन डिप्रेशन, एक प्रेशर होता है हमारे ऊपर, है ना, हम ऐसे मुंह लटका लेते हैं, मतलब नीचे देखते हैं। व्हेन यू आर एक्टिव, है ना, आपने सब कुछ किया हुआ, आप में एक एनर्जी लेवल होता है, तो आप एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर, एलिवेटर से ऊपर जाते हो ना, तो एलिवेशन मतलब आपने नीचे से ऊपर देख लिया,
यू आर ऑब्जर्विंग हाई थिंग और यहां पर डिप्रेशन में डाउन वाली चीज देख रहा है, बस क्लियर। तो अब बनेगी इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो बनेगी तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब ऐसा ही होगा, इनमें कोई एक साइड आपको एंगल जरूर दिया होगा, कोई एक साइड आपको मान लो दे दिया ये 15 मीटर अवे है, ठीक है, उन्होंने कहा टावर की हाइट निकाल लो, तो आप क्या करते हो, आप देखते हो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, टी और बी कौन से ट्रिग्नोमेट्री के टी रेशियो में आते हैं, टी ओवर बी अगर आपको याद हो, बता सकते हो कोई, टी ओवर बी कम्स इन विच टी रेशियो, या किस कौन से टी रेशियो के इक्वल। हाँ जी, यस यस तान्या, यस बेटा, मैम टेन थीटा, बिल्कुल दैट इज इक्वल टू टेन, तो हम इसको जो भी थीटा है वी कॉल्ड इट एज और वी राइट इट एज टेन थीटा, एक थीटा की वैल्यू हमें पता चल जाती है, मान लो पी हमने निकालना है और बी हमें पता, मींस दो में से कोई एक क्वांटिटी हमें पता हो गई और सेकंड वन वी हैव टू कैलकुलेट, एंगल इज गिवन, बस सारे में यही चीज है, बस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर बनाने, फिगर बनाने के ही हमारे पास मार्क्स होते हैं, अगर आपने फिगर नहीं बनाई, बिना फिगर के क्वेश्चन कर दिया, नो मार्क्स विल बी गिवन टू यू। ओके क्लियर, तो अब बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ रियल लाइफ में कहाँ यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री, इसीलिए वी कॉल्ड दिस चैप्टर एज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके ठीक है जी, लेट अस डू टर्न बाय टर्न, हम एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी इस चैप्टर को करने, ठीक है। Firstly, we will read the first question. Okay, a circus artist is climbing a 20 meter long rope. Circus artist जो है एक long rope से क्या कर रहा है, वो ऊपर को climb कर रहा है, ठीक है। Now, what is written here? What they have mentioned here? They mention it, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical rope. अब वो बिल्कुल जो है हमने ऊपर से टॉप से टाइट की हुई है और उस रोप में कोई भी लूज जो है नहीं है, वो टोटली स्ट्रेच्ड है। ओके, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज, मेरे पास जो है That is given to me 30 degree. Figure दी हुई हमें साथ में, ठीक है, अगर नहीं भी दी हो तो हम क्लियर कट बना सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जो है मेरे पास एक्सरसाइज बेटा 9.1, ओके क्लियर। चलिए बेटा, तो सबसे पहले फिगर जो है हमें दी हुई है कि मेरे पास जो है एक पोल के साथ हमने ये टॉप पे वी टायर्ड ए रोप, ओके, एंड दिस इज 20 मीटर, दिस इज पोल एंड द रोप विद द ग्राउंड इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल, 100% दिस इज 90 डिग्री। नाउ बेटा आई हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोल, मुझे ये कैलकुलेट, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है लेबल कीजिए ए बी सी, और आपने जो कैलकुलेट करना है आप उसको लेट करके जरूर लिखोगे। मान लीजिए दिस इज एच, आई लेट इट बी एच मीटर, यू हैव टू राइट लेट द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल दैट इज इक्वल्स टू एच मीटर, और बता दीजिए हाइट इज ए बी, आप ए बी को मान लीजिए। अब वेरी क्लियर, आपको पता है 90 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है ना, दिस इज हाइपोटेन्यूज, पी एंड एच, मैं रिकॉल कर रही हूं आपको पंडित बद्री प्रसाद जो है हर हर मेरे पास जो है बोले,
जो है याद रखना है बेटे मेरे पास जो है कि आप गलती नहीं करोगे, साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट जो है सीकेंट को सीकेंट। ओके पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मैंने वहां से। अब मैंने ये देख लिया मुझे पी एंड एच, पी और एच किस में आता है, साइन में आता है, तो मैं सिंपल लिखूंगी साइन जो है राइट जो है ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ओवर मेरे पास ए सी दैट इज साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, यहां लिख दोगे साइन थीटा इज पी बाय एच, प्लीज मेंशन इट एवरीथिंग। अब मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगी, आप हर बार करो। ओके अब ए बी दैट इज एच 20, साइन 30 की वैल्यू बता सकती हो बेटा, साइन 30 की वैल्यू, यस तान्या, ओके रियान वेरी गुड रियान, यस बेटा रियान, रायना सॉरी रायना, यस बेटा 1/2 बिल्कुल 100% करेक्ट दैट इज 1/2, तो यू पुट हियर 1/2। अब ये इसको इधर ले लीजिए एच इज इक्वल टू 20/2 दैट इज 10 मीटर, देयरफॉर द हाइट ऑफ द मेरे पास जो है पूल इज 1/2। Divyansh, you want to ask anything or you have to answer? Okay. Clear, beta? Sabko baat samajh aa gayi? Chaliye, let us move to the next question. Mere paas to hai question number 2. Okay? Read the statement carefully. Main baar baar keh rahi hu, bina reading ko analyze karna in questions mein it is very necessary. You have to analyze it. Okay? Chaliye, beta. Now let us discuss question number 2. Okay, for that what we have to do, we have to firstly read it. Ab itna dekhiye question kya hai, unhone kaha a tree breaks down due to the storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground and making an angle of 30 degree with it. Let us see ki ye question kya hai. ठीक है, ये मेरे पास एक ट्री था ऐसे, ओके दिस इज द ट्री, ये मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ आपको क्लियरली विजिबल, ये ओके ये ग्राउंड लेवल पे ऐसे लगा हुआ था। अब उन्होंने कहा यहां से हवा आई और ये टूट गया और इसने ग्राउंड के साथ ऐसे कोई एंगल बना, ओके आपको विजिबल होगा 100% जो है टूटा और ग्राउंड के साथ एंगल बना दिया, उसने कहा 30 डिग्री विद इट, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, पहले ये पूरा ट्री था ओके ये यहां से ब्रेक हुआ और इतना पार्ट जो टूटा ठीक है ये यहाँ टच हो गया और यहां पर उन्होंने कहा इट मेक्स 30 डिग्री ओके with it, the distance between the foot और यहाँ पर tree पे मेरे पास 8 meter है, okay now what they write, हमारे पास find the height of the tree, वो कितना height निकालेंगे, अब मुझे कोई बता सकता है कि इसकी height tree की total कितनी, anybody from your side, what will be the height of the tree, बस तानिया ने contract लिया बेटा, बाकी कोई नहीं है। यस दिव्यांश, यस बेटा दिव्यांश, मैम जो ऊपर की जो ट्री कट हो के वो ऐसे गिरा है वो सेम इक्वल टू होंगे हाइपोटेन्यूज और जो ट्री डाउन हुआ है, बिल्कुल, और अगर हम जी हाइट निकालनी है तो हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए इसके लिए, फिर वो उसके इक्वल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल हमें हाइपोटेन्यूज क्योंकि ये पार्ट गिरा ये इधर आ गया, मींस अगर हाइट निकालनी है तो मुझे ये भी पार्ट चाहिए, मुझे ये भी पार्ट चाहिए, आई नीड बोथ पार्ट, और दोनों को ऐड करूंगी तो वो ट्री की मेरे पास हाइट ऑफ द ट्री आएगी, हाइट ऑफ ट्री ओके। मैं क्या मानती हूँ कि मैं ये एक्स मान लेती हूँ, इसको वाई, अगर ये भी वाई है तो ये भी वाई, लेट इट बी इन मीटर्स ओके, तो आई विल राइट जो है लेट
the height of mere paas tree that is equal to mere paas to x plus y meter. Okay, beta. Clear? So as shown in figure, please ऐसे mention कर दिया करो. Shown in figure, हमने figure में बता दिया कि इतनी height. और obviously जो ऊपर गिरा है वो इधर होगा. Label it A, B, C. ठीक है? अब क्या करेंगे? सबसे पहले x भी निकालना है, y भी निकालना. ये perpendicular है, ये base है. P by B, tan होता है. पहले निकाल लेते हैं x. तो मेरे पास इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल जो है ए बी सी, मेरे पास क्या आएगा? ए बी ओवर बी सी दैट इज टैन 30 डिग्री. ओके, तो मेरे पास ए बी कितना आ गया एक्स, बी सी कितना 8. ओके, और टैन 30 की वैल्यू हाँ जी कितनी होती है मेरे पास? 1/√3. ओके, क्लियर? तो 1/√3, तो x की वैल्यू 8/√3 मीटर्स. अभी ऐसे रहने दो, रूट थ्री को बाद में इकट्ठे कर ले, अभी करना है, अभी रैशनलाइज कर दो, ये आप पे. नो, लेट अस मूव टू दिस. ओके, अब मुझे क्या चाहिए? आई नीड y, और y क्या? हाइपोटेन्यूज, और ये है बेस. b और h किस t रेशियो में आता है? दैट इज cos में आता है. तो b by h that is BC by AC that is cos 30 degree. Okay, BC is 8, AC I have left it Y, and cos 30 that is √3/2. Okay beta, to Y ki value cross multiply ki to Y is 16/√3 meters. ओके, नाउ हाइट ऑफ द ट्री मेरे को कैलकुलेट करना है. तो हाइट ऑफ द ट्री मेरे पास x प्लस y है, तो हाइट ऑफ ट्री हमने किया कि लिया था x प्लस y. x हमने कैलकुलेट किया 8/√3, 16/√3 दैट इज 24/√3. रैशनलाइज इट, क्योंकि हम इरैशनल नंबर को डिनोमिनेटर में कभी नहीं छोड़ते. ओके, तो दिस कम आउट्स टू बी 3, तो 8√3 meter इज माय आंसर. एनी डाउट टू एनीवन? यू कैन आस्क मी बेटा, एनी डाउट? चले बेटा, किसी को कोई डाउट? कोई रिस्पांस नहीं, ओनली वन और टू स्टूडेंट रिस्पांस है ना. नव्या, प्रभजोत बेटा, बी एक्टिव एंड रिस्पॉन्ड. मन्नत, लक्ष्य टंडन, मजा नहीं आता जब आप रिस्पॉन्स, मुझे लगता सो गए, सोना नहीं हमने बेटा. वेरी गुड, यस दिस इज द स्पिरिट, कि जब मैं कहूँ समझ आ गया, यस मैम क्लियर है ना, आप आगे चलो. आप तो सो जाते हो मुझे लगता है कई बार बीच में, सोना नहीं हमने. ठीक है बेटा, चलो लेट अस सी. हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, क्वेश्चन नंबर दैट इज थर्ड. रीड दिस क्वेश्चन. अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल जो है टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क. दो तरह के उसने कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किए हैं स्लाइड्स को लगाने के लिए. ओके, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 5 years. मेरे पास जो है चिल्ड्रन with below the age of 5 years, उनको बेटा उन्होंने एक स्लाइड लगाना है मेरे पास जो है at a height of 1.5 meter. हम हेडिंग दे देते हैं बिलो 5 years. ओके, ऐसे स्लाइडिंग लगाना है जो कि हाइट 1.5 meter. ओके जी, अब एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री. ऑब्वियस है, बच्चे छोटे हैं तो हम ज्यादा हाई नहीं करते हैं और ज्यादा स्टीप नहीं करते, ठीक है ना. तो नेक्स्ट उसने कहा क्या है, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 meter.
एंड फॉर एल्डर वन हमने जो है ज्यादा हाइट 3 मीटर पे और स्टीप भी ज्यादा कर दी है, स्टीप कर दी है 60 डिग्री पे है, यहाँ पर 30 डिग्री पे था. ओके क्लियर. तो एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड. वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. मुझे लेंथ ऑफ द स्लाइड कैलकुलेट करनी है, मीन्स दिस एंड दिस. क्या करेंगे बता सकते हो आप में से एनी वन? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. व्हाट वी विल डू इन दिस क्वेश्चन? ओके बिसम. यस बेटा. यस बिसम अनम्यूट योरसेल्फ. यूजिंग साइन थीटा फॉर्मूला. ओके हाउ यू कम टू नो वी कैन यूज साइन थीटा? Because perpendicular is given and angle is given and we need to find edge. Simple beta. This is P and this is H. We can label it A, B, C, A, B over AC, perpendicular by H. I know this is sine theta and theta is 30 degree. Okay. And AB jo hai wo 1.5 aur AC jo hai hum isko X likh dete hain aur upar likhoge let the length of the स्लाइड भी एक्स. ओके तो एक्स और साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो देन एक्स इज कम आउट टू बी 3.0 मीटर. यूनिट्स मेंशन करने बहुत जरूरी. ओके फॉर दिस सेम प्रोसीजर लेट इट बी वाई. ठीक है लेबल इट पी क्यू आर. सिंपल देखिए दिस इज एच दिस इज पी तो पी बाय एच. ओके दैट कम्स टू बी साइन जो है मेरे पास 60 डिग्री. साइन 60 की वैल्यू √3/2 3/y क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू कम आउट y कम आउट टू बी 6y√3 एंड √3 जो है से रेशनलाइज कर दीजिए 2√3 मीटर. आप √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो इफ इट इज मेंशन. नहीं मेंशन है तो आप यहीं पे भी छोड़ सकते. ओके बेटा क्लियर टू एवरीवन? सबको बात समझ आ गई बेटा? सृष्टि रिदम क्लियर टू एवरीवन? चले बेटा आगे. चलिए वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है. लेट अस सी इन क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वी विल डू. क्वेश्चन नंबर 4. हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर. देखो जैसे ही टॉप ऑफ टावर की बात की गई ना मेरे माइंड में सबसे पहले आया कि मैं टावर बनाऊं और उन्होंने बात की एंगल ऑफ एलिवेशन की. दैट मींस अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर एंड वॉचिंग द टॉप ऑफ द टावर. ओके मुझे नहीं पता फिगर सही है कि गलत है. अभी तो मैंने ये सोचा. अच्छा कई बच्चे टॉवर इधर बना दे पर्सन इधर बना दे डजंट मैटर. ठीक है जी अब आगे देखते हैं. विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है ना टावर के टॉप को वो 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर. ओके दैट इज रिटन हियर. नाउ व्हाट दे राइटिंग. जो एंगल ऑफ एलिवेशन है That is 30 degree. Find the height of the tower. हमें h कैलकुलेट करने है अगर हाइट को मैं h. Now tell me how to do this question. हरी मैं फिर बाकी बच्चों के नाम लूंगी. खुद हैंड रेज किया करो पार्टिसिपेट करो. जिया धवन अनम्यूट योर सेल्फ. जिया धवन अनम्यूट योर सेल्फ बेटा. Yes, ma'am. बताइए बेटा how to do this question. ma'am, हम tan 30 ले लेंगे. Okay. Tan h height लेके upon 30 कर लेंगे. हमारी h height निकल आएगी. Very good, very good. जो है clear cut है. Perpendicular over base की बात हो रही है. P by B तो वो tan 30 होते हैं. तो आप लिखोगे tan 30 जो है इज इक्वल टू पी बाय बी. पहले मेंशन करोगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल P
PQR tan theta is h by 30, tan 30 की वैल्यू मेरे पास जो है वो 1 by root 3 होती है, h by 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h is 30 by root 3, root 3 से rationalize कर दो, because irrational number को हम denominator में जो है कभी भी नहीं रखते हैं, तो हमारे पास जो है it comes out to be 3, 3 को 30 से किया 10 root 3 meter. और देखिए इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू तो नहीं रूट थ्री की दी, नहीं दी है, अगर दी हो तो आप पुट कर दीजिए, नहीं दी हो तो आप रूट में भी आंसर छोड़ सकते हो. कई बच्चों के ये माइंड में होता है कि मैम रूट में हाइट कैसे हो सकती है, तो अगर आपने अप्रोक्सीमेट निकालना है तो रूट थ्री की वैल्यू 1.32 अप्रोक्सीमेटली, तो आप वो निकाल सकते हो 17.32 मीटर approximate height, आप ऐसे भी कर सकते हो. ओके बेटा, यस दिव्यांश, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यस, ओके, ठीक है बेटा, क्लियर, चलिए दैट्स गुड. नाउ कम टू द नेक्स्ट, आपका होमवर्क है, मैं जो आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 5th, वेरी इजी, दैट इज योर होमवर्क, आप करोगे ठीक है एज अ होमवर्क पार्ट, बट जब आप कॉपी सेंड करोगे मुझे सारे क्वेश्चंस की करोगे, सो दैट मिस्टेक्स आ रही हैं तो मुझे पता चले. यस बिसम बेटा,